उदाहरण 14 प्रश्न, दिए गए चित्र 40 में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हल, दिए गए चित्र में ए बी सी डी चतुर्भुज है, ए और सी को मिलाते हुए रेखाखंड खींचा तथा इसे ई तक बढ़ाया, चित्र 41 देखिए। मान लीजिए कोण डी ए ई बराबर पी अंश, कोण बी ए ई बराबर क्यू अंश, कोण डी सी ई बराबर जेड अंश, कोण ई सी बी बराबर टी अंश। अब चित्र में फिर से देखिए, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में बाह्य कोण प्रमेय से आप लिख सकते हैं, बाह्य कोण प्रमेय से कोण डी सी ई बराबर कोण सी ए डी धन कोण ए डी सी, डी सी ई का मान रखने पर जेड अंश बराबर कोण सी ए डी यानी पी अंश धन कोण ए डी सी यानी 26 अंश। समीकरण 1, त्रिभुज ए बी सी में देख सकते हैं, कोण बी सी ई बराबर कोण बी ए सी धन कोण ए बी सी। चित्र से देखिए, कोण बी सी का मान टी अंश बराबर कोण बी ए सी का मान क्यू अंश और कोण ए बी सी का मान 38 अंश। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर हमें मिलता है जेड अंश धन टी अंश बराबर पी अंश धन 26 अंश धन क्यू अंश धन 38 अंश। चित्र में आप देखिए, जेड अंश और टी अंश यानी कोण डी सी ई और कोण बी सी ई या कोण ई सी बी दोनों को जोड़ने पर हमें मिलता है एक्स, और इसलिए हम लिख देते हैं जेड अंश धन टी अंश बराबर एक्स बराबर एक्स बराबर पी धन पी अंश धन क्यू अंश, और 26 और 38 को जोड़ने पर हमें मिलता है 64, तो इन दोनों को जोड़ करके हमने लिख दिया 64 अंश। अब फिर से देखिए, चित्र में कोण डी ए पी यानी पी अंश और कोण बी ए ई यानी क्यू अंश दोनों को जोड़ने पर मिलेगा हमें कोण डी ए बी यानी पी अंश और क्यू अंश का मान हमें मिलता है 46 अंश। तो हम पी अंश धन क्यू अंश दोनों का जोड़ लिखते हैं 46 अंश, और इसलिए हमें मिलता है एक्स बराबर 46 अंश धन 64 अंश। 46 और 64 को जोड़ने पर हमें मिल जाता है एक्स बराबर 110 अंश।
इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है x बराबर 110 अंश। हम इसे इस तरह से बॉक्स में भी लिख सकते हैं x बराबर 110 अंश।